इट्स सेलिब्रेशन टाइम फॉर द कास्ट एंड क्रू ऑफ सहारा वन पॉपुलर शो झिलमिल सितारों का आंगन होगा. द शो रिसेंटली कंप्लीटेड 200 सक्सेसफुल एपिसोड. देखिए एक कली की बात लगती है. इट सीम्स ओनली लाइक यस्टरडे दैट वी बिगन वी एम्बार्क्ड अपॉन दिस जर्नी. कली की बात लगती है कि हमने ये अपना शो शुरू किया था और बहुत फ्रेश लगता है. अभी भी ऐसा लगता है कि अभी हाल ही में हमने शुरुआत की है. एंड वी स्टिल हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो. और सिंस वी हैव रीच दिस माइलस्टोन, सो वीड लाइक टू से टू ऑल आवर व्यूअर्स की प्यार बनाए रखिए और शो हमारा देखते रहिए. और बड़ी क्लीशे सी लाइन है बट हर बार जहन में यही आती है, तो जस्ट कीप लविंग अस. यू नो दिस शो इज सो स्पेशल टू मी बिकॉज इट्स माई फर्स्ट शो. और जो जो नर्वसनेस और जो एक्साइटमेंट मुझे फर्स्ट एपिसोड जब टेलीकास्ट हुआ था और वो जो फीलिंग हुई थी, यू नो जस्ट येस्टरडे जब मैं एपिसोड देख रही थी, मुझे हर बार वही फीलिंग होती है. सो आई डोंट नो, इट्स सो, मुझे अभी भी वैसा ही लगता है. यू नो दैट न्यूनेस, दैट फ्रेशनेस, मुझे अभी भी वैसा ही लगता है. इट्स लाइक Like my baby's just turned 2, you know, it's like that. My baby's just turned 200. The family members were with all smiles as they were quite happy, proud and excited all at the same time. अभी हम लोग रात के 9 बजे से पार्टी शुरू करेंगे. पार्टी शुरू होगी रामचंद्र जी की आरती से, हनुमान जी की आरती होगी और उसके बाद सीता मैया और लक्ष्मण जी की भी होगी और उसके बाद सबको उसके बाद सब गंगा जल ग्रहण करेंगे. और हमारे राष्ट्रीय में तो ऐसे ही होता है, आप सब लोग आइएगा. उधर सब पत्तल लगाएंगे, उधर सब मिलके खाएंगे हम. Also, let us introduce you to the all new character of the show. Rakshanta Khan will play an important role. Let's learn from her about the role. Frankly, मुझे तो ऐसा लगा था मेरी एंट्री के लिए ये लोग केक लाए हैं कि वेलकम टू द शो और प्रेस और मीडिया बुलाया है. मुझे क्या पता था कि एक्चुअली कुछ और सेलिब्रेट. एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं आज यहाँ पे. बट आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि मैं जब किसी भी नए शो के लिए मुझे अप्रोच किया जाता है तो मुझे ये बहुत डर लगता है. इफ़ आई गो ऑन अ न्यू सेट, क्या मैं वहाँ पर लोगों से घुल मिल पाऊँगी? विल आई बी एबल टू एंजॉय माई सेल्फ? थैंकफुली कमोलिका है यहाँ पे जिनको मैं काफ़ी वक्त से जानती हूँ. राकेश भी है जिनके साथ लास्ट शो में मैंने शूट किया था. ही वॉज नॉट ऑपोजिट मी बट दिस टाइम इज लकी इनफ. आई नो लकी लकी यू. तो उम्मीद तो ये है, मैंने बहुत कुछ सुना हुआ है ख़ास तौर से इस प्रोडक्शन हाउस के बारे में. यहाँ पर जिस तरह से आर्टिस्ट को बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया जाता है, मैं देख रही हूँ कि पहले ही दिन पे केक दिया जा रहा है ताकि कल तक मैं अपने क्लोथ्स में फिट भी ना हो सकूँ. सो आई एम होपिंग दे कैरी ऑन द ट्रेडिशन और रोज़ ऐसा कुछ एक अवसर होगा, ओकेजन होगा जो मनाया जाएगा. पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि मैंने एक रोल का पूरा नरेशन लिए बिना अग्री कर दिया है कि मैं एक शो करूँगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने इतनी तारीफ सुनी है यहाँ के सारे लोगों की. तो अब ये प्रोडक्शन हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुझे एक अवार्ड विनिंग रोल दे. द कास्ट सीम्स हैविंग सम ग्रेट टाइम टुगेदर. सी, जब ये शो स्टार्ट हुआ था तो मुझे मेन लीड के लिए उन्होंने फ़ोन किया था, लेकिन उस वक्त क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी. सो देन दे सेड कि फिर हम एक नई लड़की लेंगे. तो देन शी गॉट लकी एंड दैट्स हाउ शी गॉट द शो. And now I want to thank Rakshanda. And then she was offered Kalyani's role. She was again very busy. So Kalyani got lucky. Then I was offered Pratap's role. But I could not grow a beard. So that's how Rakesh got lucky. मैं आपको हमारी बात बताऊं तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही ख्याल आया था कि अब हमें नए जूते सिलवाने पड़ेंगे. ये हमने ये सुना था कि जो रक्षंदा खान है माशाल्लाह क्या कद है उनका, तो हमने प्रोडक्शन से रिक्वेस्ट किया, हमने देखा आपकी जो नए जूते हमें सिलवाने पड़ेंगे और पार्टलों का एक रैम बनवाया जाएगा ताकि हमें क्लोजेस में हमें कोई तकलीफ ना हो. इस शो में स्टेलेटोस दोनों लड़के पहनेंगे और लड़कियां फ्लैट पहनेंगी. लड़कियों की हाइट देख लीजिए. ओनली बिकॉज़ वी आर द काइंड ऑफ मेन हु लाइक टू लुक अप टू वुमेन, नॉट लुक डाउन अपॉन देम. सो आल्सो दिस सैंग द टाइटल ट्रैक ऑफ द शो इन यूनिसन. झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा. Indeed, very sweet. Here's a message for the viewers. Keep loving us, keep watching our show, keep blessing us. और ऐसे ही हमें अपना प्यार दीजिए ताकि ये 2, 4, 5, 6, 1,000 कब हो जाए हमें पता भी ना चले. And we keep working hard, we keep working towards entertaining all you guys. Just love you. God bless. We wish this show successfully completes many more episodes. With cameraman Dharmendra, Ashima Mishra, Telebytes, Mumbai.